हेलो स्टूडेंट्स, आई एम धीरज। वेलकम टू माय चैनल धीरज मैथमेटिक्स क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, इससे पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको नंबर सिस्टम्स के बारे में इंट्रोड्यूस कराया था, जिसमें मैंने आपको नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर्स के बारे में इंट्रोड्यूस कराया, और साथ ही साथ मैंने आपको हाउ मैनी टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम्स वो भी मैंने आपको बताया था, जिसमें मैंने आपको डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम्स के बारे में भी मैंने आपको बताया था। लेकिन जैसा कि हमारे सिलेबस में केवल डेसिमल नंबर सिस्टम है, इसीलिए हम केवल डेसिमल नंबर सिस्टम को ही पढ़ेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बताया गया है, इज जीरो अ रेशनल नंबर? क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू? क्या आप इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो? वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, जहां पर पी और क्यू इंटीजर्स हो और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें यह पूछा है कि क्या जीरो एक रेशनल नंबर है, क्या हम इसको p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं? तो चलिए स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप जानते हैं कि जब किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो हमें ऑलवेज वही नंबर मिलता है। जैसे कि मैं जीरो ही ले लेता हूं, यदि मैं जीरो को 1 से डिवाइड करूं तो स्टूडेंट्स मुझे कितना मिलेगा? जीरो ही मिलेगा। कितना मिलेगा? जीरो मिलेगा। तो स्टूडेंट्स सिमिलरली, यदि आप 2 को भी 1 से डिवाइड करते तो आपको 2 ही मिलता। यदि आप -5 को भी 1 से डिवाइड करते तो आपको कितना मिलता? -5। तो स्टूडेंट्स यहां पर हमको देखना क्या है, जीरो को रिलेटेड करते हुए हमको यहाँ पर चेक करना है। तो स्टूडेंट्स यदि मैं जीरो को 1 से डिवाइड करता हूँ तो आपको पता है मेरे को जीरो मिलता है, तो मैं जीरो को 0/1 यानी ये कौन सी फॉर्म बन गई स्टूडेंट्स? आपकी पी अपॉन क्यू वाली फॉर्म बन गई, यानी मैं जीरो को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ। सबसे पहला ये आपका क्या हो गया? क्लियर हो गया। तो स्टूडेंट्स जहां पर कोई भी नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जाए वह नंबर हमारा क्या कहलाता है? रेशनल नंबर। ठीक है ना? तो रेशनल नंबर्स कैसी फॉर्म में होते हैं? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं। तो जीरो को मैं एक रेशनल नंबर कह सकता हूं, और मैंने आपको कल बताया था कि एवरी नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स होते हैं। और क्यों होते हैं? क्योंकि हम उनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसीलिए मैं जीरो को 0/1 लिख सकता हूं, जहां पर जीरो मैं मान लेता हूं पी और ये मेरा क्या हो गया? क्यू। ओके स्टूडेंट्स, यानी ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में मैंने जीरो को क्या कर दिया? लिख दिया। तो सबसे पहला कि जीरो एक रेशनल नंबर है, दूसरा जीरो को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर जीरो एक इंटीजर है और वन भी क्या है? एक इंटीजर है, और आपके डिनोमिनेटर में जो क्यू की वैल्यू है वो क्या है? वन। वन नॉट इक्वल टू जीरो। आपका डिनोमिनेटर क्या है? जीरो के इक्वल नहीं है। तो हम इस क्वेश्चन का यहां पर आंसर लिखेंगे, इज जीरो अ रेशनल नंबर? तो स्टूडेंट यस, यस जीरो इज अ रेशनल नंबर बिकॉज वी कैन राइट जीरो एज 0/1। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहला क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? एक रेशनल नंबर है, क्योंकि हम इसको 0/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू? तो स्टूडेंट जैसा कि मैंने यहां पर लिख दिया, ये क्या है? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, जब रेशनल नंबर कहलाएगा। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, तो मैं यहां लिख सकता हूं राइट जीरो एज 0/1 वेयर
जीरो एंड वन आर इंटीजर्स एंड डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो। यानी मैं यहां पे आपको इस ब्रैकेट में लिखकर बता देता हूं, यानी वन इज नॉट इक्वल टू जीरो। ओके स्टूडेंट्स, तो हम यहां पर क्या कर देंगे, यस जीरो इज अ रेशनल नंबर बिकॉज वी कैन राइट जीरो एज जीरो अपॉन वन वेयर जीरो एंड वन आर इंटीजर्स एंड डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी वन इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये भी हमारा यस, इसको भी हम लिख सकते हैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, ये भी यस हो जाएगा हमारा। तो स्टूडेंट्स, ये आपका एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन था, नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है स्टूडेंट्स, फाइंड सिक्स रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। तो 3 and 4 के बीच में हमें सिक्स रेशनल नंबर्स को बताना है, तो चलिए स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं 3 and 4 हमें गिवन है, तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि इन दोनों नंबर्स में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 3 into 10 upon 10 and 4 into 10 upon 10, ये कितना हो जाएगा 3 into 10 30 अपॉन 10 एंड ये कितना हो जाएगा 40 upon 10। ओके स्टूडेंट्स, मैंने यहां पर 10 का ही मल्टीप्लाई क्यों किया, स्टूडेंट्स मैंने यहां पर 10 का मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि मुझे 6 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, और जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में रेशनल नंबर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं मैंने उसके दो मेथड बताए थे, एक जनरल मेथड और एक मीन मेथड। तो स्टूडेंट्स ये जनरल मेथड से सॉल्व कर रहा हूं, तो मुझे इन दोनों न्यूमरेटर्स का, यानी मैं ऐसे किस नंबर से इन दोनों नंबर्स में मल्टीप्लाई करूं जिससे इनके डिनोमिनेटर भी सेम रहे और न्यूमरेटर्स का जो डिफरेंस है वो 6 से ज्यादा आ जाए। तो स्टूडेंट्स मैंने डायरेक्टली 10 से कर दिया है, एक्स्ट्रा ज्यादा आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट्स, यानी हमारा 6 से कितना भी ज्यादा आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए 30 upon 10 और ये 40 upon 10 दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। अब 40 में से 30 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 बचेगा, 10 6 से ज्यादा, यानी हम 6 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स 30 upon 10 and 40 upon 10 के बीच में कौन कौन से रेशनल नंबर आ जाएंगे, 30 upon 10 के बाद में मैं 31 upon 10 लिख सकता हूं, 32 upon 10 लिख सकता हूं, 33 upon 10 लिख सकता हूं, 34 upon 10 लिख सकता हूं, 35 upon 10 लिख सकता हूं, 36 upon 10 लिख सकता हूं, 37 upon 10 लिख सकता हूं, 38 upon 10 और 39 upon 10 और ये स्टूडेंट्स आपका 40 upon 10। ओके स्टूडेंट्स, तो 30 upon 10 का मतलब क्या है, ये किसके इक्विवेलेंट बनाया था मैंने, 3 का इक्विवेलेंट है। ओके, क्योंकि 0 से 0 कैंसिल कर दूंगा तो 3 आ जाएगा, और ये 40 upon 10 है, ये किसका इक्विवेलेंट था, 4 का, तो यानी ये इसका मतलब क्या है, 4 है। तो ये 3 and 4 के बीच में मेरे पास कितने रेशनल नंबर्स आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके स्टूडेंट्स, अब आपसे कितने रेशनल नंबर्स पूछे गए हैं, 6 रेशनल नंबर्स आपको बताना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप इन 9 रेशनल नंबर्स जो इन दोनों नंबर्स के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो रेशनल नंबर्स आपने निकाले हैं, उन रेशनल नंबर्स में से कोई भी 6 रेशनल नंबर्स आप उठा सकते हैं और अपने आंसर के तौर पर लिख सकते हैं, यानी इनमें से आप कोई भी 6 रेशनल नंबर्स को इन दोनों नंबर्स के बीच में लिखकर अपना आंसर दे सकते हैं। तो यहां पर लिख देंगे द 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन द 6 रेशनल नंबर्स
बिटवीन थ्री एंड फोर आर। ओके स्टूडेंट्स, थ्री एंड फोर आर, इनमें से कोई भी सिक्स रेशनल नंबर आप पुटअप कर सकते हैं, यहां से कोई भी उठा सकते हैं। जैसे मान के चलिए यहीं से ले लेता हूं मैं 31/10। ओके स्टूडेंट्स, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10 और 36/10। तो स्टूडेंट्स ये आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये आपके कितने रेशनल नंबर्स आ गए, 6 रेशनल नंबर्स आ गए। आप यहां से भी ले सकते थे 34 से भी, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यानी आप इनमें से कोई भी 6 रेशनल नंबर्स ले सकते हो। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपके 6 रेशनल नंबर्स निकाल कर आपको बता दिए, ठीक है ना। तो जैसा कि आप जानते हैं कि किन्हीं दो रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स हो सकते हैं, तो आपका ये आंसर आ गया। इनके अलावा अगर आपको और भी डिफरेंट आंसर लिखना है तो आप और भी डिफरेंट आंसर यहाँ पर लिख सकते थे, और किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके आप इन दोनों का डिफरेंस 6 से ज्यादा निकाल सकते थे और भी आपके नए नंबर आ सकते थे। तो आपका ये भी आंसर हो सकता है, इसके अलावा आप और भी डिफरेंट आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स ये आपका सेकंड क्वेश्चन था, नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है स्टूडेंट्स, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास दो रेशनल नंबर गिवन है 3/5 and 4/5। ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको क्वेश्चन से पता पड़ रहा है कि इन दोनों रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम है, तो हमें डिनोमिनेटर सेम बनाने की जरूरत नहीं है। तो अब हमें क्या चेक करना है, तो वही चेक करना है जैसा कि मैंने आपको बताया, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर्स का डिफरेंस 5 से ज्यादा आ जाना चाहिए। तो 4 और 3 का डिफरेंस कितना आ गया, 1, और 1 हमारा, हमें कितना निकालना है, 5 रेशनल नंबर्स। तो स्टूडेंट्स इन दोनों नंबर्स में, इन दोनों नंबर्स में न्यूमिनेटर्स में ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए जिससे इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाए, 5 से ज्यादा। तो जैसे मान के चलिए यदि मैं यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 15 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। 15, 20 में से 15 गया तो कितना बचेगा स्टूडेंट्स, 5। तो हमारा डिफरेंस कितना आना चाहिए, 5 से ज्यादा आना चाहिए, ठीक है ना। तो और ऊपर करके देखते हैं, 6 से करेंगे तो 18 आ जाएगा, यहां पर 6 से करूंगा तो 24 आ जाएगा। डिफरेंस निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 24 और 18 का 6 आ जाएगा। यानी हम यहां पर कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स, 6 से। तो 3/5 में हम 6/6 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिमिलरली 4/5 में भी हम 6/6 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो 6 × 3 = 18 और 6 × 5 = 30 एंड 6 × 4 = 24 और 6 × 5 = 30। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें इनके बीच में क्या निकालना है, रेशनल नंबर्स को निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, 18/13 से बड़ा नंबर क्या आएगा, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 और 24/30। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए अब 18/13 किसके इक्विवेलेंट बनाया था मैंने, 3/5। 3/5 का इक्विवेलेंट क्या था, 18/30, ठीक है ना। तो मैं यहां पर कितने नंबर आ गए मेरे पास, 1, 2, 3, 4, 5। हमसे कितने रेशनल नंबर्स पूछे गए हैं, 5 रेशनल नंबर्स। तो हम अपना आंसर लिख देंगे, द 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5 आर कितने कितने आ जाएंगे स्टूडेंट्स, 19/30, 19/30 कॉमा 20/30 कॉमा 21/30
कॉमा 22 अपॉन 30 कॉमा 23 अपॉन 30। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका आंसर आ गया 3 अपॉन 5 एंड 4 अपॉन 5 के बीच में, 5 रेशनल नंबर से आपके आ गए। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन थर्ड को नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में बताया गया है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें जो ये स्टेटमेंट्स दी गई हैं तीन, क्या यह इनमें से कौन सी फॉल्स है और कौन सी राइट है यानी ट्रू है, तो वह बताना है। साथ ही साथ गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स, और हमें उसका रीजन भी देना है कि वह ट्रू क्यों है या फॉल्स क्यों है। तो देखिए, आपकी जो पहली स्टेटमेंट गिवन है वो है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो स्टूडेंट्स हमसे क्या पूछा गया है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको इससे पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ऐसा क्यों? क्योंकि होल नंबर का जो कलेक्शन होता है, होल नंबर्स का जो कलेक्शन होता है वह नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद जीरो, क्या होता है, टुगेदर विद जीरो। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर हम लिखेंगे यस। ओके स्टूडेंट्स, और रीजन आप यहां पर लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्या रीजन हो जाएगा, बिकॉज होल नंबर्स आर द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद जीरो। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अब स्टूडेंट्स हमसे पूछा गया है कि क्या सभी इंटीजर्स होल नंबर होते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम इंटीजर्स की बात करें तो देखिए, टू को यदि मैं लूं तो टू को मैं एक इंटीजर भी कह सकता हूं और एक होल नंबर भी कह सकता हूं, तो टू के केस में ये राइट हो जाएगा। चलिए यहीं पर मैं यदि माइनस का टू ले लेता हूं तो माइनस का टू एक इंटीजर है बट माइनस का टू एक होल नंबर नहीं है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो हम कह सकते हैं कि एवरी इंटीजर्स, सभी इंटीजर्स होल नंबर्स नहीं हो सकते। स्पेशली यदि वह ये पूछता कि क्या टू एक होल नंबर है, यानी क्या टू जो एक इंटीजर है क्या वह एक होल नंबर है, तो राइट हो जाता, बट उसने एवरी पूछा है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, तो हम यहां पर लिख देंगे नो, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स, यहां पर आप यस भी लिख सकते हैं और ट्रू भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा, फॉल्स हो गया, ठीक है ना। तो देखिए रीजन देना है, बिकॉज माइनस टू इज अ इंटीजर, बिकॉज माइनस टू इज अ इंटीजर बट नॉट अ होल नंबर, बट नॉट अ होल नंबर, ठीक है ना। तो मैंने यहां पर एक एग्जाम्पल के तौर पर रीजन दे दिया, बिकॉज माइनस टू इज अ इंटीजर बट नॉट अ होल नंबर, ठीक है ना। यहां पर ये आपका रीजन हो गया। आइए थर्ड स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो स्टूडेंट्स हमसे पूछा गया है कि क्या सभी रेशनल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, मैं यदि 5 को लूं तो 5 एक रेशनल नंबर भी है, क्यों, क्योंकि मैं 5 के नीचे 1 रख सकता हूं, P अपॉन Q की फॉर्म आ जाएगी, और जहां भी P अपॉन Q की फॉर्म आ जाती है वो क्या कहलाता है, रेशनल नंबर। चलो ये सही हुआ, और 5 जो मैंने नंबर माना था, 5 जो मैंने नंबर माना था, 5 को मैं P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकता हूं, तो ये रेशनल नंबर भी है और होल नंबर भी है। चलो अगर मैं यहीं पर माइनस का 5 ले लेता हूं तो माइनस का 5 एक होल नंबर भी, माइनस का 5 क्या है, एक रेशनल नंबर कहलाएगा, क्या कहलाएगा, एक रेशनल नंबर तो कहला सकता है, लेकिन माइनस 5 को हम होल नंबर नहीं कह सकते, माइनस 5 को होल नंबर नहीं कह सकते। तो स्टूडेंट्स आप यहां पर देख सकते हैं कि हम सभी नंबर्स को, यानी जितने भी होल नंबर्स हैं, हम उनको
रेशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी जितने भी होल नंबर्स मेरे पास होंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट, जितने भी होल नंबर्स होंगे मैं इनको रेशनल नंबर कह सकता हूं। बट जितने भी रेशनल नंबर है, अब देखिए मान के चलिए मैंने 2/5 ले लिया, तो क्या ये एक होल नंबर हो गया? नहीं, ये एक रेशनल नंबर तो कहलाएगा लेकिन यह एक होल नंबर नहीं हो सकता। इसीलिए हम यहां पर रीजन दे सकते हैं, तो सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे फाल्स। ओके स्टूडेंट्स, बिकॉज 2/5 इज अ रेशनल नंबर बट नॉट अ होल नंबर, बट नॉट अ होल नंबर। तो स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन 4 था, जिसमें 3 स्टेटमेंट आपको गिवन थी, जिसमें मैं बताना था कि कौन सा ट्रू और कौन सा फाल्स है विद रीजन बताना था, तो मैंने आपको बता दिया है। यहां पर मैंने लिखा नहीं है, इसको आप लिख सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये आपका एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन था। आज हमने एक्सरसाइज 1.1 को कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है। तो स्टूडेंट्स यदि आपको यह वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और जो भी पॉइंट आपकी समझ में ना आया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं आपको उसका रिप्लाई नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। तो चलिए स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू।